बच्चों, ये मेरे और टॉपर्स हैं, होता क्लास में कई टॉपर्स यहाँ से हुए हैं। एक बच्चा हमारा कुणाल चौधरी है, मुझे याद है कि ये आया था बेचारा, बहुत अच्छा लड़का और नहायत ही संजीदा लड़का है। सीरियस क्लास में पढ़ता था, सुनता था और बहुत अच्छा लड़का रहा है। और इसके भी आए हैं, साइंस में कितने मार्क्स आए हैं बताया? 95 मार्क्स आए हैं। तो हम पूछते हैं कि होड़ा क्लासेस के साथ इनका साल भर का जर्नी कैसा रहा क्लास 10th में? हाँ बताइए, कैसा जर्नी रहा? सर, होड़ा क्लास में मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। आप बार बार रिविजन करते थे, टेस्ट देते थे वीक बी वीक, और मेगा टेस्ट भी लिया था और बहुत बार रिविजन करवाया, जिससे कि कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया और फिर प्रैक्टिस भी हो गई। ठीक है, मैं कुणाल चौधरी, बच्चा हमारा, इसको दुआएं हमारी। ये आगे आगे क्या बनना बेटा आपको? सर, मैंने तो अभी जहाँ तक सोचा कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए ट्राई करूँगा, फिर बाकी अगर कुछ बचा तो मैं किसी और चीज़ के लिए। चलिए, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए और किसी बहुत बड़ी कंपनी ने आपको कहा कि सर ऐसा है कि 5-10 लाख रुपये का टैक्स में कमी करवा दीजिए, तो आप ईमानदारी को प्रीफर करेंगे या पैसा कमाने के चक्कर में जाएंगे? सर, मैं तो ईमानदारी को प्रेफर करूंगा, क्योंकि सर पैसे तो कभी भी कमा जा सकते हैं, वेरी गुड, देश की खुशी इस बात की। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, और आपने भी देखा होगा कि हम पैसों को प्रीफर नहीं किए, 600 रुपये में पढ़ाया है हमने, तो ये असूल आँख में आंसू बनाते हैं आप लोगों की ख्वाहिशात। और बच्चों, देश का हर एक बच्चा देखो पैसा कमाएंगे, अपनी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन यही असल देशभक्ति है, यही हुब्बुल वतनी है, यही मोहब्बत है देश से। ये हमारे बच्चे एकदम दिल लग रहा है, दिल निकाल और पढ़ा होता कॉमर्स तो मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, साइंस पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैं कॉमर्स का होता तो इसको चार्टर्ड अकाउंट बना के ही दम देता। चलिए प्यारे बच्चों, तो कुणाल साहब, आपकी ब्राइट फ्यूचर के लिए दुआएं हमारी, शुभकामनाएं। ओके बेटा, अरे ठीक ठीक है, ओके, थैंक यू।